प्रशांत टंडन जी, ट्विटर पे आप भी खूब रहते हैं और आप भी देखे होंगे। ज़्यादा भाव देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अस्थाना साहब को, ऐसे भी रिटायर्ड हैं और मैं भी देख रहा था और सही कह रहे हैं सिंह साहब की ऐसे, और उनके ऐसे बयान काफ़ी हैं, काफ़ी चर्चा में पहले भी रहे हैं। लेकिन क्या ये डराने की, धमकाने की और ऐसे आंदोलन करने वालों को कि आप दोबारा मत आइए ये बताने की कोशिश, या इसके पीछे कुछ और कहानी, क्या कुछ लगता है आपको? और जो आखिरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि अभी तो ये चले गए हैं, पहलवान चले गए हैं, लेकिन बात पहलवानों का आंदोलन का नहीं है, बात दमन का है। और अगर दमन की बात हो तो फिर तो यहाँ बात वही आती है कि आने वाला जो चुनाव है वो बहुत मुश्किल होने वाला है, ये माना जाए। जी देखिए, एनसी अस्थाना के वो बेहुदा ट्वीट पे इंडियन पुलिस एसोसिएशन ने अपना वक्तव्य दिया है और उसकी बहुत आलोचना की है, उनका ट्वीट भी आ गया है। तो और उससे ज्यादा का उनका, उनको भाव देने का मतलब नहीं, बस एक बिल्कुल 2 रुपए के ट्रोल की भाषा वो बोल रहे हैं। अब उनका सीवी बड़ा इम्प्रेसिव है कि केरला के डीजीपी रहे तो उनको जिम्मेदारी से, किसी को भी जिम्मेदारी से ट्वीट करना चाहिए, लेकिन जो आ व्यक्ति डीजीपी रहा है केरल का, सोचिए कि वो उन्होंने क्या पुलिस में रहते हुए क्या न्याय किया होगा, कैसी मानसिकता के है वो। दूसरी की जो सिंगौल की बात हो रही, राजीव जी, कितने प्रोटोकॉल तोड़े गए हैं। अभी जो है विजय शंकर जी बता रहे थे, मैं बता दूं कि पार्लियामेंट में जब ज्वाइंट सेशन होता है तो वो जो प्रेसिडेंट है उसका प्रोसेशन कैसा होता है, तो स्पीकर और उसकी, उसका स्थान क्या है पार्लियामेंट में। स्पीकर और डिप्टी चेयरपर्सन उसके मालिक है, चेयरपर्सन राज्यसभा के चेयरमैन उसके मालिक हैं, आगे आगे राष्ट्रपति चलते हैं, उसके भी आगे राष्ट्रपति के एडीसी होते हैं जो सेना के होते हैं, उसके पीछे राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद डिप्टी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगल बगल वो चलते हैं राज्यसभा और लोकसभा के पीठासीन अधिकारी या स्पीकर और चेयरपर्सन, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आता है। कोई तस्वीर आप देख लीजिए, और आप ये देखिए, आपने भी इतने साल पार्लियामेंट कवर किया, हम लोग वहाँ बैठे हैं, हाउस के चेंबर में केवल मेंबर जाता है, लोकसभा का मेंबर भी राज्यसभा में नहीं जा सकता हाउस के चेंबर में, तो या राज्यसभा का मेंबर लोकसभा के हाउस के चेंबर में नहीं जा सकता। ये देखिए कि कैसे मालूम पड़ रहा है कि कोई कुंभ मेला है ये नासिक का या इलाहाबाद प्रयाग का। तो ये इस तरीके से जो मानना परंपराओं की हो रही है, ठीक है, आगे आने वाले प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से इस तरीके के नहीं होंगे, और इस प्रधानमंत्री कुछ भी अपना अगर वो तय कर ले तो अब कौन उनको रोक सकता है। बहुत सारी चीज़ें संविधान और परंपराओं में इसलिए छोड़ दी जाती हैं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्च पदों में बैठे हुए लोग इतने मर्यादित होंगे कि वो अपने आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। और आप देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री ने ये सब नहीं किया। प्रधानमंत्री का जो नैतिक स्तर होता है वो सड़क के लोगों के नैतिक स्तर से बहुत आगे होता है। जो छोटी अवधि के प्रधानमंत्री रहे उनके साथ भी यही है। इनके साथ एक बड़ी मुश्किल है कि अब ये जुलूस निकाल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। मुझे याद आता है कि वो शरद यादव भाषण में कहते थे पार्लियामेंट के अंदर कि लोटा बाबा, चिमटा बाबा और कौन कौन बाबा यहाँ पे आ गए, आपका ये काम नहीं है। आप देखिए 21st सेंचुरी में ये तस्वीरें कैसी अजीब लगती हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है। टेक्नोलॉजी, अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हमारी पार्लियामेंट में कैसे लोग घूम रहे हैं,
ठीक है, धर्म का अपना जगह है, आध्यात्म की अपनी जगह है, हम हिमालय में तपस्या करें, वो कहीं भी जाए, वो उसका एक अपना एक जीवन शैली है वो भी, लेकिन उसकी जगह संसद में नहीं है, उसकी जगह इसरो में नहीं है, उसकी जगह भाभा एटॉमिक सेंटर में नहीं है। ये तस्वीर दिखा देना चाहता हूँ, सचिन पायलट पहुँच चुके हैं और आज देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग चल रही है, सचिन पायलट भी हैं और अशोक गहलोत भी हैं, दोनों इस बैठक में आज पहली दफ़ा ये दोनों साहब जो हैं एक साथ हैं। मुख्यमंत्री जी और इनके पास हालांकि कोई पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन सचिन पायलट को भी मनाने की कोशिश है, शायद आखिरी कोशिश है, कार्यक्रम समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा इस तस्वीर पे भी एक कमेंट आपसे चाहूँगा प्रशांत जी, और फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास आएंगे, क्या कुछ कहेंगे इस पे? पहली बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने होंगे। सचिन पायलट देखिए पहली बार भी वो मानेसर गए थे और बीजेपी की मदद से गए थे मानेसर, अभी भी वो यही काम कर रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको पूरा अधिकार है, और कांग्रेस जितना डेमोक्रेटिक स्पेस देती है शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी देती हो कि कुछ भी कह सकते हैं, वहां पे आप चिट्ठियां लिख सकते हैं, G23 बना सकते हैं, आप हाई कमांड से या पार्टी लीडरशिप से आप अलग एक राय रख सकते हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक वो कांग्रेस के एक बाबा जी हैं, वो क्या अनाप शनाप बोलते रहते हैं, तो कांग्रेस में ये सब चलता है, मतलब तमाम लोगों को कांग्रेस लेके चलती है, लेकिन सचिन पायलट ने जिस तरह से किया मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत ही समझदारी वाला रास्ता था या इनके कोई अच्छे सलाहकार होंगे। अगर ये पार्टी फोरम में रह के बात करते तो इनकी बात हो सकती थी जी। ऐसे उस जो बाबा जी का की बात आप कर रहे हैं, एक बाबा जी इधर भी हैं, बीजेपी में भी हैं, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कह रहे थे, तो दोनों तरफ बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं दोनों अलग अलग ढंग से, एक यूपी वाले हैं और एक दक्षिण वाले हैं। खैर आप लोग समझ रहे होंगे कि किन के बारे में बात हो रही है। आना चाहता हूँ क्लोजिंग कमेंट पे, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास बहुत सारी तस्वीरें आप सबके सामने हैं, राहुल गांधी की ट्रक यात्रा से लेकर के और अभी सचिन पायलट की कार यात्रा तक, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में जो वो देख रहे थे पता नहीं क्या है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन कुछ ले करके ज़रूर वो घूम रहे थे, और जिसको स्थापित करके एक आस्था जतलाने की कोशिश हुई साउथ इंडिया जाऊँगा तो फिर समझने